गत वर्ष की सरकार चाहिए सरकार। आज की जो घटना हुई है पुष्कर सरोवर में, जो कि करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्थाओं का एक सबसे बड़ा आस्था का सरोवर है, केंद्र है, उस सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाना। करोड़ों हिंदुओं के तारने वाले तीर्थ पुष्कर को खुद है अपने तारणहार का इंतजार। तीर्थ की मर्यादा से खिलवाड़ कर रही सीवरेज समस्या बनी राजनीतिक मुद्दा। हिंदू आस्थाओं के सबसे प्राचीन तीर्थ पुष्कर की मर्यादा से खिलवाड़ लगातार जारी है। सीवरेज की समस्या अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। करोड़ों हिंदुओं को तारने वाले तीर्थ को खुद अपने तारणहार का इंतजार करना पड़ रहा है। हिंदू आस्था के सबसे प्राचीन तीर्थ, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां विश्व का एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है, यह वह तीर्थ है जहां राम कृष्ण जैसे अवतारों की चरण रज पड़ी, जहां गजेंद्र का मोक्ष हुआ, जहां विश्वामित्र जैसे ऋषि तप करके ब्रह्म ऋषि बने। यह वह तीर्थ है जहां देश ही नहीं दुनिया भर से करोड़ों हिंदू आस्था का दामन थामे बड़ी श्रद्धा से अपना शीश नवाने पुष्कर पहुंचते हैं। यही पुष्कर तीर्थ अब प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते दुर्दशा का दंश झेल रहा है। आस्था और मर्यादाओं की बात तो क्या करें, जिस जल का आचमन कर श्रद्धालु आत्मा को पवित्र करते हैं, जिस जल से पुष्कर के हजारों मंदिरों में भक्त अपने आराध्य को स्नान कराते हैं, उसी पवित्र सरोवर के जल में एक बार फिर सोमवार को सीवरेज का गंदा पानी जा मिला। पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सरोवर से मिल गया, जिससे सरोवर में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से इसके स्थायी समाधान की मांग की। मौके पर मीडिया के पहुंचने के बाद मिट्टी लगाकर पानी रोकने के नाकाम प्रयास किए गए। यह पहला मामला नहीं जब सरोवर के इस पवित्र जल में दूषित जल मिला हो। इससे पूर्व भी कई बार ऐसा नजारा पुष्कर के बाशिंदों को देखने में मिला है। सरकारें आ रही हैं और सरकारें जा रही हैं। पुष्कर के वासियों को हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, गत वर्ष की सरकार चाहिए सरकार। आज की जो घटना हुई है पुष्कर सरोवर में, जो कि करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्थाओं का एक सबसे बड़ा आस्था का सरोवर है, केंद्र है, उस सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाना क्या जवाब देता है। सारे के सारे मंदिरों में इसी तीर्थ पर सारे के सारे तीर्थयात्री यहीं आकर के इसी तीर्थ में इसे गंदे पानी के साथ में आचमन करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, कोई भी यहाँ पर कोई प्रशासनिक अमला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई यहाँ के राजनेता, कोई जननेता, जनप्रतिनिधि, सबके सब चुप है। भगवान पुष्कर राज महाराज उन्हें सद्बुद्धि दे, उनकी पीढ़ियों को तारने वाला जो तीर्थ है वो अपने तारण के लिए अपने तारणहार का इंतजार कर रहा है। कि क्या मांग है सरकार से? मांग ये है कि अभी तुरंत प्रभाव से निराकरण किया जाए। ये सीवरेज की समस्या पुष्कर की सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज जो डला हुआ है आज के 40 साल पूर्व का डला हुआ है, इसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। तुरंत प्रभाव से इसे अपडेट किया जाए और आने वाले 50 साल बाद में किस प्रकार की अवस्था रहेगी, व्यवस्था रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसे दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले तो मैं सभी पुष्कर वासियों से अपील करूंगा कि ये जो अपना ब्रह्म सरोवर है उसके अंदर जो बारिश का या एन केन प्रक्रिया कभी सीवरेज का पानी जाता है, इसकी रोकथाम के लिए अपने को सभी को आगे आना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि अपन सब पुरोहित हैं और सरोवर ब्रह्म सरोवर के लिए अपने को ये तो अपना दायित्व बनता ही है कि सीवरेज का या बरसाती पानी या अन्य कोई ऐसा पानी सीवरेज का जो सरोवर के अंदर नहीं जाए। और मैं सभी से मांग करूंगा कि अपन सभी एकत्रित होकर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे प्रशासन यहाँ का हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं मांग करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसकी ओर ध्यान दे के और इसको इसका निराकरण करे, इसका निदान करे, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। हमारी आस्था बहुत आते हो, अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो हमारे भाई ने डाला, रवि ने, कि इस तरह से सरोवर में गंदा पानी जाता है, ये न जाना चाहिए। इसके तुरंत रोकथाम करनी चाहिए और संबंधित प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इसके पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। Thank you.
प्रदेश की इस ज्वलंत समस्या के निदान को राजनीतिक दलों ने महज चुनावी मुद्दे तक सीमित कर रखा है। इसका उदाहरण यही है कि बीते 7 सालों से पालिका बोर्ड में सत्ता का सुख भोग रही भाजपा अब इस समस्या के निराकरण नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के बोर्ड पर अकर्मण्यता के आरोप लगाते हुए विकास कार्यों को अवरुद्ध करने की बात कह रही है। इस संबंध में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत से बात की तो उन्होंने बताया कि सीवरेज की समस्या के स्थायी निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा DPR के लिए राशि आवंटित कर दी गई है, जल्द ही इस समस्या का स्थायी निदान खोज लिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि फिलहाल पालिका पुष्कर के कर्मचारी लगातार सीवरेज ब्लॉक को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक उदासीनता के बीच करोड़ों हिंदुओं को तारने वाला तीर्थ पुष्कर अब खुद अपने तारणहार का इंतजार कर रहा है। हमारा बोर्ड है तो सरकार, लेकिन राज्य में कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार ने बजट में कहा था कि हम 5 लाख रुपए से DPR बना रहे हैं। 5 लाख रुपए में कोई DPR बनती है क्या सीवरेज की? बरसों पुरानी समस्या है, हम इसका निजात कर स्थायी निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से जरूर इसके लिए हम प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थल के लिए आप कोई कार्य योजना बना के इसके स्थायी समाधान की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। मैं आज उस सरोवर का पानी गंदा जाने के लिए ये बड़ी दुखद घटना है और ये आज से नहीं, करीब 10 वर्ष से ये लगातार बार बार लिखे जो ना सड़क पे पानी बनना। और देखो ये हमारे आज पवित्र सरोवर की परिक्रमा लगाते श्रद्धालु, उनके लिए बड़ा बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही हम जो हमारे घर के अंदर जो मौत हो जाती है उनकी हम उनकी अर्थी भी ले जाते हैं, तब भी हमने 1.5 फुट पानी के अंदर उससे गुजरा है और वहाँ पे हमने अंतिम संस्कार के लिए हम पहुँचे हैं। 2014 के अंदर 17 करोड़ की योजना स्वीकृति हुई, इसको हमने माननीय MLA विधायक साहब को हमने दी है। अगर वो 17 करोड़ की सीवरेज योजना उस टाइम लागू हो जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और पवित्र सरोवर के अंदर गंदा पानी नहीं जाता। समय समय पर नगर पालिका इसकी सफाई नहीं कराती है, इससे नगर पालिका बच नहीं सकती है। सबसे पहले पुष्कर के अंदर सीवरेज और सफाई की व्यवस्था कराना नगर पालिका पुष्कर और नगर पालिका बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, वो अपने इसे मुकर नहीं सकते हैं। आज पुष्कर के ठेकेदार पे अपन कोई विश्वास कर सकते हैं? विश्वास नहीं कर, जब तक अधिकारी और पालिका अध्यक्ष मौके पर आना चाहिए, हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए अधिकारी द्वारा। जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी इस सीवरेज की समस्या ऐसे ऐसी बनी रहेगी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हमारे पूरे विधायक ने और हमने ब्लॉक अध्यक्ष ने कि भाई के ये सीवरेज की मेजर समस्या, उसके अंदर DPR बने की घोषणा करी, जिसकी DPR की पहली प्रथम मीटिंग होटल सीवर के अंदर हुई है और ये जिम्मा AD अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। अब हम चाहते हैं तो सीवरेज को जल्दी स्वीकृत करा के और इसका निस्तारण हुए, लेकिन नगर पालिका जब तक इसका निस्तारण इसकी सफाई नहीं कराएगी तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। और मैं जब तक ध्यान है कि हम जब तक पहले पूर्व चेयरमैन थे मंजू जी कुड़िया, तो मौके पे जाके ठेकेदार को और सफाई इंस्पेक्टर को मौके पे जाके उसका निशान करें, तब ये समस्या वहाँ पे जब तक ये बिल्कुल समस्या नहीं थी। अब अभी 7 करोड़ रुपये और स्वीकृत करके जो जलदाय विभाग का 10 साल से बंद पड़ा था उसका निर्माण शुरू हो गया है। अब वो 4 महीने 5 महीने के अंदर बनके तैयार है, उससे भी बड़ी राहत मिल जाएगी। और जो DPR बची है इसको जल्दी स्वीकृत करा के हमारे देश के श्रद्धालु और पुष्कर को निवासियों के लिए इसका समाधान किया जाएगा। और इसकी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता आती है सत्ता जाती है।